रेफरल कोड क्या है? अच्छा देखो, ऐप में एक रेफरल कोड का भी, मान लो तुमने ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, अब वहां पे कुछ वीडियोस लॉक कर रखे हैं मैंने, ठीक है, पेड नहीं है, पैसा नहीं देना, कुछ वीडियोस बीच बीच में लॉक हैं, ठीक है, कुछ कोर्स की कुछ कुछ वीडियो पेड वाले नहीं, फ्री वाले वीडियोस कुछ कुछ लॉक है, उसमें पैसा नहीं देना, उसमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे मिलेगा? आपको अपने फ्रेंड को शेयर करो, वो डाउनलोड करेगा, तुम्हें पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट से तुम वो टेस्ट वो वीडियो पर्टिकुलर खोल सकोगे और देख सकोगे। प्रमोशनल स्ट्रेटजी सर, दिमाग मैंने नहीं किया, जिन्होंने ऐप डेवलप किया ये सब उन्होंने किया, ठीक है, मैंने बस देखा कि हाँ अच्छा लगा मेरे को। रेफरल कोड, रेफरल कोड के बिना भी आप लॉगिन कर सकते हो। जितने बच्चों को लग रहा है कि रेफरल कोड नहीं है, लॉगिन कैसे करें, सो यू कैन लॉगिन विदाउट रेफरल कोड। रेफरल कोड वाले बॉक्स पे टिक मत करो, अपना नंबर डालो, कोई काट के इसको वीडियो बना देना प्लीज। हाँ नहीं बना लूँगा, टाइम क्या हुआ है, टाइम से मैं देख लूँ दिखेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है। You have to first go on the Google Play Store, App Store, then you have to type physics wala, then app will appear, you have to click install and give me 5-star rating. कोई अगर एक रेटिंग दिया मैं छोड़ेगा नहीं उसको रे, हाँ तो 5-star की रेटिंग देना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप देखने के बाद रेटिंग देना, ठीक है, अभी अभी मत देना रेटिंग, फिर कम से कम यार एक साल बाद देना यार, अभी आप अच्छा होने तो धीमे धीमे, अभी पहले पहले नए नए बच्चों कैसे कट करोगे। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ऐप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल के बाद उसमें आएगा फोन नंबर डालने को, तो फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, रेफरल कोड अभी मत लगाओ, रेफरल कोड तब लगाओगे जब कोई दोस्त तुमको रेफरल कोड भेज रहा होगा, वरना बिना रेफरल कोड के लॉगिन करो। एक बार रेफरल कोड बता दो, रेफरल कोड क्या है? आप अभी तो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, जब ऐप इंस्टॉल हो और जब यह प्रॉब्लम सर्वर लोड की खत्म होगी, डेफिनेटली हो जाएगी और आप इंस्टॉल करोगे, तो आपको अपना फोन नंबर डालना है और रेफरल कोड वाले में टिक नहीं लगाना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, अपना नाम लिखना है और घुस जाना है आपके अंदर। रेफरल कोड वाले बॉक्स पे टिक ही मत लगाना। रेफरल कोड कैसे काम करेगा, मान लो तुमने ऐप इंस्टॉल कर लिया बिना रेफरल कोड के, तुमने ऐप इंस्टॉल कर लिया बिना रेफरल कोड के, अब तुम्हारे किसी दोस्त ने नहीं इंस्टॉल किया है, तो तुम ऐप को शेयर कर देना, आपके फ्रंट पेज पे आपको मिलेगा शेयर द ऐप का ऑप्शन, तो आप वहां से ऐप को शेयर कर देना। जब आप ऐप को शेयर करोगे तो जिस बंदे को आप शेयर करोगे, जब वो इंस्टॉल करेगा, जैसे मान लो सपोज कोई बंदा ए है, उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया बिना रेफरल कोड वाले बॉक्स पे टिक किए, अब वो ऐप को शेयर किया एक बंदे बी को, जैसे ही बी इंस्टॉल करेगा तो बी को इंस्टॉल करते वक्त इसका रेफरल कोड डालना पड़ेगा। रेफरल कोड मतलब इसका मोबाइल नंबर एक जनरेट हो जाएगा रेफरल कोड, वो वहां पे डालना होगा, तब इसको भी पॉइंट मिलेंगे और इसको भी, बी को भी पॉइंट मिलेंगे और ए को भी। एक छोटा सा वीडियो बना देंगे रेफरल कोड का, ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई हंसी मजाक की चीज़ है, इसको बहुत दिल पे मत लेना ना, रेफरल कोड नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, है ना, जिंदगी का प्यार नहीं है।